ये मशीन ये इसको कहीं पे भी गाय के पास लेके हम जा सकते हैं। जी 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 10-15% जो गाय का दूध देती है वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ और साफ आएगा। जब हम मिल्किंग करते हैं हाथ से जी, तो बैक्टीरिया वगैरह वहीं पे रह जाते हैं। ज्यादा लोग गाय के लिए लेते हैं, भैंसों पे भी मिल्किंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जिसके पास जितने एनिमल है उसके अकॉर्डिंग उसको बताते हैं कि आपको ये मशीन सही है। 4-5 मिनट लगते हैं गाय की मिल्किंग। ठीक है, नमस्कार पशुपालक साथियों, आप सभी का स्वागत है जी आपके अपने यूट्यूब चैनल एनिमल आवाज पर। और आज की वीडियो बहुत विशेष होने वाली है जी। भाई जैसे कोई गणित का सवाल है बिना टेबल के सोल्व नहीं हो सकता, वैसे भाई अगर किसी भाई को टेबल नहीं आती पशुपालन की, यानी कि दूध निकालना नहीं आता, समस्या आ रही है दूध निकालने में, आप ज्यादा भैंसे हैं, ज्यादा गायें हैं, नहीं निकाल सकते, उनके लिए एक परफेक्ट वीडियो रहेगी जी। आज की वीडियो प्रोफेशनल रहेगी, अपनी दूध निकालने वाली मशीन। बहुत सारे भाई कह रहे थे कैसे यूज होती है, हमारी गाय तो नहीं निकलवाओगी, वो गाय तो अलग होती है, वो गाय तो अडप्ट हो जाती है, पता नहीं क्या क्या रीजन थे। लेकिन आज एक विश्लेषण के तौर पे पूरी परफेक्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। भाई हमारे साथ, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, एक बार तो नाम बताओ जी। मनदीप जी। मनदीप जी कौन सी कंपनी से है वो भी बताओ। वेंसन टेक्नोलॉजी। वेंसन टेक्नोलॉजी से, ठीक है। कहाँ की कंपनी है सर ये? ये हेड ऑफिस नोएडा है। नोएडा है। पंजाब में कहीं पे भी, हरियाणा कहीं पे भी मशीन चाहिए आपको सभी जगह। कितने सालों से काम कर रहे हो जी? मेरे को 13-14 साल हो। ठीक, और कंपनी कितनी है? लगभग 22-23 साल हो गए। तो मशीनों की रिपोर्ट अच्छी आ रही है? हाँ जी है। तो इसीलिए मैं वीडियो लेकर आया था जी। मशीन भी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर आपको एक पूरा रिस्पांस मिलेगा। तो मनदीप भाई एक बात बताओ, आप मशीनें कितने लीटर से शुरुआत होती है, कितनी गायों की दूध निकाल सकते हैं? पहले तो ये बताओ, गायों के लिए होती है या भैंसों के लिए होती है? दोनों के लिए होती है। दोनों के लिए होती है। ज्यादा लोग गाय के लिए लेते हैं, भैंसों पे भी मिल्किंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत वाली नहीं है, आराम से, कोई दिक्कत वाली दिक्कत नहीं। बहुत वीडियो पड़ी है हमारे पास भैंसों पे मिल्किंग करते हुए, भैंसों पे बिल्कुल मिल्किंग हो जाती है। पहली बात तो ये बताओ, बहुत सारे भाइयों के ये सवाल रहते हैं कि इनसे थनों में इन्फेक्शन हो जाता है वगैरह वगैरह, क्या कहना? ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हाथ से इन्फेक्शन होती है, ये साफ होते हैं, इससे दूध बिल्कुल बकेट के अंदर जाना क्लियर जाता है, क्लियर जाता है, साफ रहेगा। जब हम मिल्किंग करते हैं हाथ से जी, तो बैक्टीरिया वगैरह वहीं पे रह जाते हैं, तो मस्टाइटिस का, थनेला रोग का प्रॉब्लम बढ़ता है, प्रॉब्लम बढ़ जाता है। इससे साफ दूध बकेट के अंदर जाएगा, 10-15% आदमी का जो गाय का दूध देती है वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ और साफ आएगा। और गांव भाई जो गाय है, जो भैंस है, वो भी स्ट्रेस में नहीं आएगी, क्योंकि हाथ से निकालते थोड़ा झटका लग जाता है, कोई भाई अंगूठे से निकालता है तो अंगूठा मतलब इन्फेक्शन कर देता है, उसमें गांठ कर देता है, ये सारी चीज भी आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएंगी अगर आप मशीन से दूध निकालते हो। तो मनदीप भाई एक बार तो मशीन की आप जानकारी दो, सबसे छोटी मशीन यही है अपने पास? हाँ जी, ये छोटी मशीन है। ठीक है, 10 एनिमल के लिए सफिशियंट है जी। 10 एनिमल के लिए? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। अगर इसके ऊपर वाली चाहिए, डबल बकेट की आ जाती है जी, वो चाहे फिक्स वाली ले लो, चाहे ट्रॉली टाइप वो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसी ले लो भाई आप, कहीं भी ये मशीन है, जैसे दिखा दो एक बार कैमरामैन से, गुजारिश करूंगा, ये मशीन है भाई, यहाँ तो एक जगह स्थित हो जाएगी, इसकी फिटिंग हो जाएगी, इसकी फिटिंग हो जाएगी जी। लेकिन वो मशीन है उसमें भाई पहिए वगैरह डाल रखे हैं। हाँ, ये देखो भाई, मैं चला के दिखा रहा, ये देखो जी, ये देख सकते हैं, ये मशीन, ये इसको कहीं पे भी गाय के पास लेके हम जा सकते हैं। जी 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 जी, जिनके भाई यहाँ पे भैंस बंध रही है, गाय बंध रही है, यहाँ पे दूध निकाल लो, यहाँ बंध रही है तो पीछे ले आओ, हाँ जी, यहाँ पे आ जाएगी, तो इसको मतलब चला सकते हो, कोई मशीन में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मनदीप भाई ये बताओ, ये सिर्फ चार्जिंग वाली होती है या फिर कैसे, सीधे प्लग में? ये बिजली वाली होती है, बिजली वाली नहीं होती। ठीक है, हाँ जी, लगभग सारी की सारी बिजली वाली, बिजली पे चलती है, बिजली पे ही चलती है, स्विच में लगाओ। हाँ जी, ठीक, चलाओ। कई भाइयों की डिमांड ये आएगी, सवाल पूछेंगे भाई बिजली कितनी लेती है, इन्वर्टर पर चल जाएगी? नहीं, इन्वर्टर पे नहीं चलती, वो पता क्या उसका बैटरा बड़ा लगा दो तो फिर चलेगी। ठीक है जी, तो वैसे तो ज्यादा लोग इसको कितने आसपास की मोटर है इसमें लगा? वो पोनी वाली है। ठीक है, हाँ, एक एचपी की भी है, एक दो की भी आती है, तीन की आती है। ठीक है, और जिसके पास जितने एनिमल है उसके अकॉर्डिंग उसको बताते हैं कि आपको ये मशीन सही है। लगभग लोकल में भाई 5-10 पशु रहते हैं दूध वाले, तो उनके लिए हम छोटी मशीन की बात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो भाई साहब इसके बारे में बताओ, यहाँ पे आपने मोटर सेटअप करवा रखी है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे बकेट रखा जाएगा, यहाँ पे बकेट रखा जाएगा, बकेट रख के कहीं पे भी हम लेके जा सकते हैं। ठीक है, रखो इसमें, वापस ले आओ, वापस ले आओ। ठीक, और वो जो थन वगैरह में लगते हैं भाई, जो निप्पल वगैरह, वो भी मैं दिखा दूँ, आ जाओ एक बार, आ जाओ जी। ये देखो भाई, ये ऐसे थन पे लग जाती है। ठीक है जी, ये चारों थनों में ऐसे लग जाए, में लग जाए। ठीक है, और मतलब ये तो नहीं होता भाई थन छोटा बड़ा उसमें? नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसने वैक्यूम से एडजस्ट कर लेना, वैक्यूम में एडजस्ट कर लेना, चाहे खारकी हो चाहे पांचवे की, कोई दिक्कत वाली, चाहे थन छोटा हो भाई, चाहे कुछ भी समस्या, छोटे थनों पे तो बहुत ज्यादा कामयाब है, बहुत ज्यादा कामयाब, इसने तो वैक्यूम है, इस हथेली को पकड़ लेती है। ठीक है, ठीक है। और जो जॉइंट वगैरह होते हैं भाई, इनकी कैसा रिस्पॉन्स है, एक बार हटाइए? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एनिमल का दूध नहीं आ रहा तो कोई मशीन उतारते नहीं है। ठीक है, तो लात मारते तब टूटता है, वैसे जल्दी कोई टूटता नहीं, इसकी
एक साल की गारंटी होती है तभी हम चेंज करके दे देंगे। अच्छा, एक साल की इन जोड़ की इन चीजों की गारंटी गारंटी रहेगी। ठीक है, इसकी दो साल की गारंटी रहेगी। इसकी दो साल की। हाँ जी। बकेट भी आपने स्टील की दी है ना? स्टील की है, 304 SS का स्टील, 304 28 लीटर का होगा, 28 लीटर वाले। जी ठीक है, ये तो अपना बकेट हो गया, और ये बकेट से पहुँचाने का ये सारी नाली वगैरह इसकी, अगर ये लोगे तो ये फिट हो जाएगा। मैं ठीक है ये फिटिंग वाला हो गया, ये फिटिंग वाला। ये नीचे क्या बकेट ही है? ये वैक्यूम टैंक होता है। अच्छा, वैक्यूम टैंक। हाँ जी ठीक है, ये मोटर आ गई और ये वैक्यूम टैंक हो गया। वैक्यूम टैंक और आगे इसके ये लग जाएगा, ये लग जाएगा। ठीक है जी। तो ये बताओ कितने घंटे में कितनी मिल्किंग कर देती है, कितने मिनट में कितना? 4 से 5 मिनट लगते हैं गाय की मिल्किंग। ठीक है, तो औसतन 20 किलो की अगर भैंस है, 20 किलो की गाय, तो 5 मिनट में मिल्किंग कर देगी, कोई समस्या वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और कोई खास इंस्ट्रक्शन इसके बारे में देना? हमारे और भी कई प्रोडक्ट आते हैं, जैसे ये दवाई आती है। ठीक है, किसी गाय को मस्टाइटिस वगैरह हो रही है, ठीक है, तो थन खराब है, कोई रफ सा हो रखा है, अपना कोई दाने से निकले हुए हैं, तो इसको डिप कप के इसमें डाल के, ठीक है, इसको थन पे लगा दो, ये थन को लेमिनेशन कर देगी, लेमिनेशन। हाँ जी, मिल्किंग के बाद इसको यूज करो, थनेला रोग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ठीक है। और साथ के साथ भाई कई उपकरण मैं आपको दिखाऊंगा, छोटी छोटी चीजें जो मैं कहता हूँ कि आपके पशुपालन में काम आएगी। ये तो मशीन होगी। अच्छा, कितने साल की गारंटी रहती है? एक साल की एक साल की गारंटी रहती है भाई। इसकी पूरी कंपनी देगी, घर पे पहुंचा देगी? हाँ हाँ, वो एक बार अपनी कंपनी का दूर होगा तो उसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार कंपनी का नंबर और दे दीजिए। वेंसन टेक्नोलॉजी का हमारी मशीन रहेगा। पंजाब में कहीं पे भी मशीन चाहिए तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9914322022। ठीक है, सभी साथियों नमस्कार, बताना जानकारी कैसी लगी दूध वाली मशीन के आपके क्या ख्याल है कमेंट जरूर कर देना। राम राम। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाए एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।